Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. लगता है ऐसा कि जन्म लेके यार कौन सा बड़ा वाला काम कर दिए हैं पता नहीं है, पर बर्थडे है सो चलो अगेन हैप्पी बर्थडे टू मी। तो आज भी एज यूजुअल ऑफिस है, ऑफिस जाना पड़ेगा। ये है आउटफिट। और हाँ, बर्थडे वाला स्पेशल मेनू ब्रेकफास्ट का वो भी दिखा देते हैं, चलो देख लो। ये है मेरा बर्थडे वाला ब्रेकफास्ट, ओट्स केला किसमिस एक साथ। और एज यूजुअल मुझे मिल्क पसंद नहीं है, सो फॉर दैट ये सिर्फ पानी से होल नाइट भिगाया हुआ ओट्स है एंड किसमिस, और अभी ऐड की ये केला। जो तो चलो खत्म कर लेते हैं। एक्चुअली मेरे व्लॉग में कभी भी आप बर्थडे वाला व्लॉग नहीं मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं मतलब मेरा उस तरीके का बर्थडे सेलिब्रेट मैं नहीं करती, सो फॉर दैट व्लॉग नहीं मिलेगा बर्थडे वाला। पर हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि आज क्यों, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसा भी व्लॉग हो यार, बर्थडे जैसा भी सेलिब्रेट हो, पर एक मेमोरी होना चाहिए कि अगले साल ये वाला व्लॉग देख के मुझे ऐसा लगे कि या बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था मेरा इस तरीके का। तो चलो यार, और कुछ नहीं बोलेंगे अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट को खत्म करेंगे एंड देन मुझे निकलना है एज यूजुअल। अभी कितना हो रहा टाइम, एक सेकंड देखते हैं। फाइव और मैं उठी 4 बजे सुबह का। सो कितना खूबसूरत बर्थडे है ये पता चल गया होगा आप लोगों को सुबह चार बजे उठ के। तो चलो और ज्यादा खिच नहीं करेंगे, अभी मेरा बर्थडे वाला ब्रेकफास्ट खत्म करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ माय ब्लॉग विथ मी अगेन। हैप्पी बर्थडे टू मी। रेडी हो गई, अभी निकलना है ऑफिस के लिए। सो या दिस इज आउटफिट। बहुत लॉन्ग टाइप का एक कुर्ती टाइप का है, सो वही पहन ली आज, बट पुराना है, नया नहीं है। सो चलो मेरे व्लॉग के साथ रहो, बाय। सो यार, ऑफिस में केक कटिंग हुआ था एंड दिस इज अ छोटू वाला क्लिप जो कि बनाया गया था, एंड ये ऑब्वियसली मेरे मोबाइल से नहीं किया गया था शूट। सो मुझे किसी और को बोलना पड़ा कि यार वो वाला क्लिप भेज दो। तो जैसे ही क्लिप मेरे हाथ में आया तो मुझे लगा कि यार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ऑब्वियसली यू ऑल आर माय फ्रेंड्स। सो या, और वीडियो बंगाली में था, सो फॉर दैट मैं जो ओरिजिनल जो वॉइस था वो बस दबा दी एंड सिर्फ क्लिप को एंजॉय कीजिए। तो यार बैक टू होम, घर आ गई एंड या दिस इज बर्थडे पायश, आई मीन खीर, या हिंदी में शायद खीर बोलता है इसको और बंगाली में हम लोग पायश बोलते हैं। सो दिस इज माई बर्थडे पायश एंड बस अभी इसको खा रही हूँ। सो अभी इसको खा रही हूँ। और हाँ, ऑफिस में से ये वाला गिफ्ट मिला मुझको
ये एक कुर्ती है, आई मीन बहुत ही कलर बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। सो वो वाला कुर्ती मुझे गिफ्ट मिला और मैं खुद को क्या गिफ्ट दी, गेस करो गेस करो गेस करो यार, क्या गिफ्ट दी मैं खुद को, कुरकुरे 5 रुपीज का। यार बहुत दिनों से बहुत दिनों से कुरकुरे खाने का मन कर रहा था, तो मुझे आज लगा कि चलो यार खुद को गिफ्ट करते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट करना चाहिए खुद को, तो चलो गिफ्ट कर ली। और अभी चाय पीना है, सो पायस को खत्म करते हैं जल्दी से एंड देन चाय पीना है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड यार, मेरे साथ रहो। 2000 years later. Good morning. But another day, I mean birthday यार यहीं पे खत्म, क्योंकि बस और कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि as usual day था, ऑफिस गई थी, so बस बात खत्म। But हाँ आज जाना है सीज के साथ, so दोनों day एक साथ का vlog होगा। और अभी फिलहाल मैं तैयार हूँ ऑफिस के लिए, तो चलो बस यहीं पे खत्म। और ब्रेकफास्ट खत्म है, एज यूजुअल ओट्स था ब्रेकफास्ट में, सो चलो बाद में मिलते हैं। हाँ बर्थडे वाला जो गिफ्ट है वो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, सो बाय लेटर। सो जस्ट रीच्ड होम, या आशीष के साथ आज थोड़ा मार्केट गई थी एंड वो शॉपिंग भी की और थोड़ा बहुत मुझे भी मिल गया यार, हाँ गिफ्ट मिल गया। और हाँ बाय द वे मैं बोली थी कि क्या क्या गिफ्ट मुझे मिला मेरी बर्थडे में, तो वो शेयर करेंगे। सो चलो व्लॉग को और ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे। सो ये एक गिफ्ट है, दिस इज अ टॉवल या प्लेन बाथिंग टॉवल, जो मेरा एकदम से खराब हो चुका था। दो टॉवल है मेरा नहाने का, दोनों टॉवल ही खत्म, सो दैट फॉर ये वाला टॉवल मुझे गिफ्ट में मिला एंड इसका कलर जस्ट ऑसम है यार, मुझे बहुत पसंद है इसका कलर, अभी तक खोली नहीं, so, चलो दिखा देते हैं। या दिस इज द कलर जो कि मुझे बहुत पसंद है एंड ग्रीनिश टाइप का है, ग्रीन कलर है एक्चुअली, जैसा दिख रहा है कलर वैसा नहीं है, और भी थोड़ा लाइट है एंड एक दूसरा टाइप का कलर है यार, पता नहीं क्यों कैमरे में अच्छा नहीं दिख रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके बाद जो गिफ्ट है वो है ये, दिस इज अ कुर्ती विथ अ पेंसिल पैंट सेट एंड ये मॉम ने गिफ्ट की। एंड इसके बाद जो है वो है ये कुर्ती, ये कुर्ती मुझे ऑफिस से मिला, ऑफिस में मुझे गिफ्ट मिला ऑफिस में से, सो या ये भी एप्लीक किया हुआ है कुर्ती में। एंड इसका कलर अभी कैमरे में अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा ही लग रहा है इसका कलर मतलब जैसा है वैसा नहीं दिख रहा, बट इसका कलर जो है ना जस्ट ऑसम है यार। एंड देन ये वाला सेट देखो यार, इसको आई मीन जंग ज्वेलरी बोलता है, सो ये मुझे बहुत पसंद था एंड इसमें एक ऐसा लुक्स है जो कि मुझे बहुत पसंद बहुत ही पसंद आया, सो ये भी गिफ्ट है यार। सो ये वाला भी गिफ्ट है एंड इसके साथ ये है, ये भी गिफ्ट है, सो चलो इसके बाद क्या है वो दिखाते हैं। सो ये जो है ये ट्रैक सूट है एंड दिस इज ऑल्सो अ गिफ्ट, देखो दिस इज फ्रॉम HRX, क्या आई लव दिस ब्रांड यार, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ये HRX ब्रांड का चीजें, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ दिस इज डजंट मीन कि HRX ब्रांड जो प्रोमोट करते हैं, आई मीन
ऋतिक रोशन के लिए मैं नहीं बोल रही हूं कि आई लव HRX. इट इज अ रियलिटी दैट रियली आई जस्ट लव HRX. आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं ठीक से, बट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है HRX ब्रांड. सो या दिस इज अ ट्रैक सूट एंड इसका कलर जस्ट ऑसम है. एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, दिस ऑल्सो फ्रॉम HRX एंड ये है एक टी शर्ट जो कि मुझे खोल के दिखाना पड़ेगा. सो वेट, इसका मतलब ये पैकेट खोलना ना बहुत ही मुश्किल टाइप का काम है. एक हाथ में आप कैमरा पकड़ो और दूसरे हाथ से ये पैकेट ओपन करो, दिस इज अ बहुत ही झमेला वाला काम. सो या हो गया ओपन. अरे यार खोल जा यार. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम HRX एंड ये प्लेन ब्लैक टाइप का टी शर्ट है जिसके पीछे HRX लिखा हुआ है. ये वाला जिसके पीछे HRX लिखा हुआ है. सो या आई जस्ट लव HRX यार, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लगता है. एंड या हो गया. एंड दिस इज ऑल्सो अ गिफ्ट फ्रॉम माई सीस. बहुत बहुत ही सुंदर एक इयररिंग्स है जो कि अनपॉलिश्ड ब्लैक मेटल का है. इतना अच्छा लगा, इतना सुंदर मुझे लगा कि खुद को रोक नहीं पाई यार. और सीस बोली कि ले लो. आई जस्ट लव दिस टाइप ऑफ इयररिंग्स. सो या ये एक है और एक है जो कि मैं खुद को गिफ्ट की. दिस इज ये फ्लावर टाइप का है जो अच्छा लगा मुझे. एंड इसका लुक्स ऐसा है. आई जस्ट लव दिस, अच्छा लगा मुझे बहुत. सो चलो यार दैट्स इट, बस हो गया. बहुत बहुत ही ज्यादा हो गया. हाँ और दो गिफ्ट हैं बट अभी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वो वार्डरोब में रख दी एंड उसको निकालना पड़ेगा एंड देन शो करना पड़ेगा. सो झमेला वाला काम है. बट हाँ उसको नेक्स्ट कभी मैं शो करूंगी मेरे व्लॉग में. तब तक के लिए देखते रहना मेरे व्लॉग को क्योंकि वो दो गिफ्ट भी आपको देखना पड़ेगा, देखना है. सो बस चलो यार बात यहीं पे खत्म करते हैं, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि आज पूरा दिन ऑफिस से बाजार शॉपिंग करने गई थी सीज के साथ. सो पूरा डे हॉचपॉच वाला डे था. या दैट्स इट. सो अभी के लिए फिलहाल बाय, गुड नाइट. आप लोग भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो. एंड दो गिफ्ट जो बाकी रहा वो मेरे दूसरे व्लॉग में जाएगा. सो बाय एंड स्टे ट्यून्ड विथ माई व्लॉग.